नमस्कार, अंबुनिधि न्यूज में आपका स्वागत है। यमुनानगर में चोरों ने दिखाया अपना शातिराना अंदाज। जगाधरी स्थित दीपक ज्वेलर की दुकान से 2 लाख की कीमत का सोना व चांदी, 5,000 कैश और एक मोबाइल लेकर हुए फरार। चोरों की ये सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और दुकान में से हुआ चोरी मोबाइल के आधार पर चोरों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश जारी कर दी है। आधुनिकता के साथ साथ चोर भी हो रहे हैं आधुनिक, और सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो जाए उनकी ये वारदात। इसके लिए क्या क्या करते हैं इस लाइव चोरी में आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग रह ही जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक वर्मा। ये क्या घटना घटी, कैसे? सर, मैं कल शाम को रात को 8 बजे करीब दुकान पर आगे गया अपने घर, यही मेरा पास में ही घर है। तो सुबह जब आया तो दुकान का शटर उठाया तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा, इधर उधर सारा सामान फैला पड़ा था। और तो मेरे को लगा कि भी चोर पड़ गया। पीछे से बैक पीछे दरवाजा है दुकान का, वो दरवाजा तोड़ के 2 चोर घुस गए दुकान में, और जो काउंटर में सामान था चांदी का थोड़ा सोने का वो सारा चोरी कर लिया। थोड़ी सी नकदी थी 5-7 हज़ार रुपये। अलमारी में सामान सारा पड़ा, अलमारी का कुछ नहीं नुकसान हुआ। और उसके ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। 2 चोर मुंह ढके आए अंदर और सारा सामान मतलब ये चुरा ले लिया, कैमरे तोड़ दिए बाकी, और भी नुकसान करने करके। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान कम से कम तकरीबन अंदाजा 2 लाख के आसपास मेरा नुकसान हुआ, बाकी अभी एस्टिमेट लगाया नहीं है, अंदाजा 2 लाख के करीब कई नुकसान है। पुलिस को सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना दे दी, मैं अपनी दरख्वास्त किया था, 100 नंबर पे मैंने फ़ोन कर दिया था, और बाकी मैं दरख्वास्त एप्लीकेशन भी आया और FIR अभी लॉज हो गई। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस के की भाई वो बोले कि भाई आप एप्लीकेशन दे दो, बाकी हम देखते हैं। अगर इसको एक मोबाइल भी चोरी हुआ मेरा यही दुकान में पड़ा था कि भाई उसके बेस के पर अगर वो ट्रैक हो जाए, पुलिस वाले ये बोल रहे कि भाई दीपक कंप्लेनेंट है द्वारकापुरी में, वो हमारे पास से कंप्लेंट लेके आता है SI जयपाल के पास। उसने बताया भी रात को उसने उसके ताले वगैरह तोड़ के चोरी करने की कोशिश की है, जाँच जारी है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ CC फुटेज में भी? हाँ, CC फुटेज वगैरह की उसकी हमने CD वगैरह बनवाने लग रहे हैं, और जो भी होगा उसको देख के कार्रवाई में।